हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में। फ्रेंड्स, आज आप सभी जानते होंगे कि 2 अक्टूबर है और आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी विशेष अवसर के दिन महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ जानेंगे। आज हम उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके चाइल्डहुड के बारे में और साथ साथ उनके स्ट्रगल के बारे में जो उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए किया, आज हम इन सभी बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि आज दो विशेष अवसर हैं। सबसे पहला तो आज महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है और दूसरा जो स्वच्छ भारत मिशन है जिसे माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था, उसे आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपने माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी को हमारे प्यारे भारत में बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि कुछ लोग उन्हें बापू के नाम से याद करते हैं और कुछ लोग उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं। ये सभी नाम महात्मा गांधी जी के ही है, जैसे बापू और राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जी था। ठीक है फ्रेंड्स, और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात इंडिया में हुआ था। फ्रेंड्स, वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया के एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करते थे। और फ्रेंड्स, अगर हम उनके चाइल्डहुड की बात करें तो हम सब जानते हैं कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी जी था और उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई गांधी जी था। ठीक है फ्रेंड्स, और उनकी ऑक्यूपेशन की हम बात करें, उनके पेशे की, तो फ्रेंड्स वो पेशे से एक लॉयर, पॉलिटिशियन, एक राइटर और एक फ्रीडम फाइटर थे। और उनकी धर्मपत्नी जी का नाम कस्तूरबा गांधी जी था। फ्रेंड्स, यहाँ पर कस्तूरबा शब्द लिखने में थोड़ी गड़बड़ होगी, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। उनका नाम कस्तूरबा गांधी जी था, महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी का। और अगर हम बात करें उनकी एजुकेशन के बारे में, तो महात्मा गांधी जी अपनी प्राइमरी एजुकेशन के दौरान कोई ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे और उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन को अपने शहर से ही पूरा किया था और 1887 तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। फ्रेंड्स, जिस स्कूल से उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन को पूरा किया था, अब उस स्कूल का नाम मोहनदास गांधी हाई स्कूल रख दिया गया है। ये नाम फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस डे के बाद रखा गया था। अब उस स्कूल का नाम, हाई स्कूल का नाम मोहनदास गांधी हाई स्कूल है। और उस अपनी प्राइमरी एजुकेशन को पूरा करने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में महात्मा गांधी जी ने अपनी बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद भारत में वापस आ गए। और भारत में कुछ समय रहने के बाद वो अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे, जहाँ पर वो 21 वर्ष तक रहे थे। और फ्रेंड्स, गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन हम सब जानते हैं कि पूरे भारत भर में हॉलीडे होता है। हम ये तो जानते हैं कि गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन पूरे भारत में छुट्टी होती है, लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा महात्मा गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और फ्रेंड्स, ये कुछ बुक्स के नाम हैं जो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी, जैसे कि हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, दी वर्ड्स ऑफ गांधी। ये सभी की सभी बुक्स फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा भी बहुत सी बुक्स हैं फ्रेंड्स जो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इन सब में से जो बुक है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, उसमें गांधी जी ने मेंशन किया है कि फ्रेंड्स कि जब वो बचपन में थे तब उन्होंने एक नाटक, एक शो देखा था महाराजा हरिश्चंद्र, जिसको देखने के बाद उन्होंने कसम खाई थी कि वो अब से सत्य के रास्ते पर चलेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने अपनी सारी उम्र सत्य के रास्ते पर चलने में लगा दी। और फ्रेंड्स, 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया गया। नथुराम गोडसे ने फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी को मार दिया था, उन्हें शहीद कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।